अस्पताल में भर्ती एक मरीज द्वारा तीसरी मंजिल से कूदने का मामला सामने आया है। डॉक्टर विनीत के मुताबिक बस्ती जोदेवल क्षेत्र के रहने वाले करीब 22 वर्षीय रूबल को 3 जून को सीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जो शराब पीने का आदी है और उस वक्त उससे कोई जहरीला पदार्थ निकल रखा था। अस्पताल में उपचाराधीन रूबल ने आज तीसरी मंजिल पर खिड़की से छलांग लगा दी और सीधा नीचे खड़ी कार पर जा गिरा, जिसे तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और डॉक्टर उसे बचाने में सफल रहे। पेशेंट का नाम है मिस्टर रूबल और सन ऑफ मिस्टर रोशन लाल, 28 साल के थे और 3 तारीख को इसी महीने जून में वो दाखिल हुए थे। उस समय वो उन्होंने शराब पी रखी थी और वैसे शराब के एडिक्ट हैं वो, और उन्होंने एक मॉस्किटो रिपेलेंट को इन्हेल लिया था, उसके कारण उनको उस नशे में ना वो छाती में इन्फेक्शन भी हो गया था, एस्पिरेट कर गया था। हालत बहुत सीरियस थी जब आए थे, तो फिर उनको वेंटिलेटर पे डाला था, इंट्यूबेट करके आईसीयू में एडमिट किया था। तो आईसीयू में जब थे तो फिर वहाँ पे उनकी धीरे धीरे रिकवरी हुई, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी उनकी। और आज सुबह उनकी कंडीशन बेटर थी, तो उसके कारण फिर हमने उनको वेंटिलेटर से हटाया। जब वेंटिलेटर से हमने उनको हटाया तो फिर पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया, और फिर उसके साथ में ना सामने एक दीवार है जिसमें शीशा भी लगा हुआ है, तो फिर वहाँ से वो शीशे को तोड़ के ना उसमें से भाग के उसने छलांग मार दी। अभी उसकी कंडीशन वैसे तो स्टेबल है बट क्रिटिकल है। मेजर इंजरीज नहीं है उनको, ठीक है। अभी सीटी स्कैन हुआ है, एक्सरे भी हुए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी है, बट वैसे तो नहीं है। हाँ, पहले भी उनका जो ये भी जो उन्होंने मॉस्कुलर रिपेलेंट लेते हैं वो भी सुसाइडल अटेम्प्ट ही होता है जो सोचते हैं, बट उस समय क्योंकि वो पूरे अल्कोहल के नशे में थे तो आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ा जान बचाने के लिए। सर पुलिस वगैरह? हाँ, एमएलसी पुलिस को तो उसी समय, हाँ उसी समय इन्फॉर्म हो गया था। Thank you.